वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल, माय नेम इज गौरव। दोस्तों आप जानते हैं कल वाली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज आपके लिए मैं इलाहाबाद अप्रेंटिसशिप की फॉर्म की वीडियो लेकर आऊंगा। आप जानते हैं कि इस टाइम पर रेलवे में जो NCR का डिपार्टमेंट है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, उसमें दो डिपार्टमेंट ने अप्रेंटिसशिप आ रखी है। एक तो आपकी झांसी वाला डिपार्टमेंट और एक आपका इलाहाबाद वाला डिपार्टमेंट। अगर मैं झांसी की बात करूं तो उसकी डिटेल वाली वीडियो और फॉर्म की वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है, तो दोनों वीडियोस के लिंक आपको ऊपर मिल जाएंगे, आप जो है इसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इलाहाबाद अप्रेंटिसशिप की, तो इसकी जो है मैं आपके लिए डिटेल वाली वीडियो लेकर आ चुका हूं, डिटेल की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो अभी वीडियो मैंने आपके लिए यहां पर प्रेजेंट की है, ये है फॉर्म की। इसमें स्टेप वाइज आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल होगा। दोस्तों इसका जो है दो तरीके से फॉर्म प्रोसीड होगा, एक तो ऑनलाइन भी और एक ऑफलाइन भी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, आप सबके डाउट्स थे इस वजह से जो है मुझे वीडियो बनाने पड़ी। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वीडियो दे रखी है, वो आप जाकर देख लो, और इसके बाद जो है फॉर्म की वीडियो आप यहाँ से देख लो। अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख रखी है तो फॉर्म वाली वीडियो को ध्यान से आप देखें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे आपको मैंने डिटेल वाली वीडियो, दूसरे नंबर पर एक लिंक दे रखा है मैंने फॉर्म का। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपको हिंदी में नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ से मिल जाएगा, इंग्लिश में पढ़ना है यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिखेगा जब आप इस चेक पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर ये येलो कलर में दिख जाएगा। आप फोन से भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जो है लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो ध्यान से जो है इसको देखना। तो यहाँ पर ट्रेड सिलेक्ट करने का आपका ऑप्शन यहाँ पर आएगा और डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने का आपका ऑप्शन यहाँ पर आएगा। दो डिपार्टमेंट है इसमें, एक तो CNW का और दूसरा आपको ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा, या यू कैन चेक इन द नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो भाई आपको बता दूं इसके फॉर्म में आपको सारी चीज़ें कैपिटल में डालनी है, स्मॉल में मत डालना, बिकॉज मैंने जो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़े तो मुझे जो है फॉर्म का क्राइटेरिया समझ आया कि किस तरीके से आपको फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको नेम डालना है, कैपिटल में डालना। देखो कैपिटल में इसलिए बोल रहा हूँ ना, डिपार्टमेंट बाद में कुछ दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो कैपिटल में ही डालना। बाकी स्मॉल में जिन्होंने पहले फिल कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा मेजर इशू नहीं होगा। फादर नेम आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद मदर नेम डालना है, जेंडर का आपको जो यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑप्शन, मेल या फीमेल जो भी है, यहाँ पर मैं फीमेल के तौर पर आपको फॉर्म फिल करके बता रहा हूँ। कम्युनिटी अनडिजर्व OBC SC ST जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जो है अनडिजर्व से फॉर्म फिल करो। फिजिकली हैंडीकैप अगर आप हैं तो यस करो, फिर और भी डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंगली आपको जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर मैंने कल एक छोटी सी गलती कर दी थी कि मैंने 18 से स्टार्ट कर दी थी DOB, यहाँ पर 15 से 24 साल है, 18 से 24 साल नहीं है। और बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी एज कैलकुलेट करके आ जाएगी। यहाँ पर अपना रिलीजियन सिलेक्ट करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, ये जो है मैंने आपको एक्स सर्विसमैन के तौर पर फिल करके बताया, लेकिन आप इसे नो करना अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है। तो नेशनैलिटी इंडियन सिलेक्ट करना, आधार नंबर प्रॉपर तरीके से देख लेना कि सही डाल रहे हैं या गलत डाल रहे हैं। ईमेल आईडी, ये इसकी जो है आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी डाल लेना, जो भी आपकी सही ईमेल आईडी हो, क्योंकि कॉन्टैक्ट आपको ईमेल आईडी पर भी किया जा सकता है। यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना, मैंने हाइड कर दिया यार, क्योंकि अगर मैं इसे विजिबल रखूँगा तो बच्चे कॉल करने लग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये भी डाउट आ रहा था बच्चों को, कुछ बच्चे पूछे थे कि सर इसमें क्या डालना है, तो यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, जो दो ऑप्शन है इसमें कोई भी आपके हाथ पर, माथे पर, आँख पर कोई निशान है तो आप वहाँ पर टिक करेंगे। फॉर एग्जांपल इस लड़की की आँख में जो है तिल है, तो मैंने मोल इन लेफ्ट आई लिख दिया। और अगर आपके जो है हाथ वात में कहीं पर निशान है जो दिखता हो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि स्कार ऑन लेफ्ट हैंड फिंगर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये स्टार वाली चीज़ है तो मैंडेटरी इन्होंने बना रखी है, इसे कंपल्सरी है फिल करना। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे इस लड़की का न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी होगा, सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन में ही आप जो नीचे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो एड्रेस डालने का ऑप्शन होगा। एड्रेस में यहाँ पर आप पिन कोड मत डालना, पिन कोड डालेंगे तो गलती हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना स्मॉल एड्रेस डालेंगे जो भी हो। उसके बाद आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस, इसमें भी बच्चों को दिक्कत हो रही थी, पोस्टल पोस्ट कौन सा है,
नज़दीकी पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, अगर नहीं पता तो देख लो इधर उधर जाके आपको दिख जाएगा। सिटी डालेंगे जो भी आपकी है, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पिन कोड डालेंगे प्रॉपरली। उसके बाद हल्का सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैंने स्लाइड वाइज बना रखा है, आप जो नीचे से हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये फॉर्म ओपन होकर दिख जाएगा। यहाँ पर आप अपनी CBSE की डिटेल्स डालेंगे, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जहाँ से आपने की है वो, तो यहाँ पर आपने कब की है, जैसे कि इस बच्ची ने 2012 में की, CBSE बोर्ड से करी, आपने UP बिहार पंजाब कहाँ से की है वो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पर कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो डालेंगे और कितने में से मिले हैं वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली दिस विल कैलकुलेट योर परसेंटेज, तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ध्यान रखना 50% कम है आ रही है तो आपकी, तो आप इसका फॉर्म मत भरिए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इट मीन्स योर ITI क्वालिफिकेशन। जब भी आपने पास किया तो यहाँ पर आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जिस इंस्टीट्यूट से पास किए वो सिलेक्ट करेंगे, ट्रेड सिलेक्ट करेंगे, ट्रेड वही जो आपने ऊपर सिलेक्ट करी है, मार्क्स कितने आए हैं आपके वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट मीन्स आप मैनुअली लिखेंगे, जहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा वहाँ पर मैनुअली लिखेंगे, और जहाँ पर ड्रॉप डाउन आ रहा है सो फ्रॉम वेयर यू विल हैव टू सिलेक्ट समथिंग, जो भी ड्रॉप डाउन में दे रखी है, तो 2700 में से आपको मार्क्स मिले हैं, फिर दिस विल कैलकुलेट योर परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिर भाई देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, JPG फॉर्मेट में, ध्यान रखना JPG फॉर्मेट में जो है आपको यहाँ पर फोटो सिलेक्ट करने पड़ेगी। अगर आप में मेरे मेंबर बने हुए हैं उन बच्चों को तो मैं डायरेक्टली जो है फ़ोन पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और बाकी अगर आपको भी मेंबर बनना है तो मैंने पहले कमेंट में अपनी मेल आईडी दे रखी है। कुछ बच्चे देखो भाई डिस्क्रिप्शन में ही अपना कांटेक्ट नंबर लिखना है, वो मत करो यार, दूसरे बच्चे दूसरे लोग जो है दूसरे यूट्यूबर आपको कॉल करने लग जाएंगे, तो बेटर होगा कि आप जो है जो मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में और आपको पहले कमेंट में दे रखी है उस पर मुझे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो प्रोवाइड करो। आगे का मेम्बरशिप का आपको प्रोसेस मैं प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, सिग्नेचर दो तरीके से होंगे, आपके हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में। तो मैंने जो है यहाँ पर ये डेमो फॉर्म है तो डेमो के तौर पर मैंने यहाँ पर इंग्लिश में ही सिलेक्ट कर लिया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग करना। ये मैंने डेमो के लिए यहाँ पर पेस्ट कर रखा, लेकिन एक्चुअल में मैंने जो है इसे हिंदी में ही, नोटिफिकेशन में जो भी इसका प्रिंट आउट निकलेगा उसमें हिंदी में ही आपको दिखेगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर चेक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे चेक करना। भाई देखो एक और बार बोल रहा हूँ, अपना फॉर्म 5-6 बार चेक कर लेना तब जाके सबमिट करना। अगर फॉर्म में एक बार गलती हो गई सो यू कैन नॉट एडिट योर फॉर्म, तो ध्यान से देखना कैप्चा ये जो है इनवैलिड हो जाएगा। कैप्चा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं रिफ्रेश का, इस पर आप क्लिक करना, बार बार क्लिक करना, जो भी आपका यहाँ पर आसान कैप्चा है, जैसे मैंने भी इसे 4-5 बार रिफ्रेश किया, मेरे सामने ये वाला वंगलू करके VANGLO करके एक कैप्चा आ गया, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखना देख लेना कि कौन सा इजी हो रहा है, तो वो रिफ्रेश करके यहाँ पर इसे पुट कर देना और सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत बच्चों को एरर भी देगा, तो एरर ना आए तो इसलिए जो है ध्यान से फॉर्म को फिल करना। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन ID और यहाँ पर आपकी DOB आ जाएगी। यहाँ पर बैक करने का ऑप्शन है, यहाँ पर बैक आपको करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, तो यहाँ पर आप अपना प्रिंट लेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रिंट करने के लिए। अब भाई देखो मैंने एक्चुअल में इसका फॉर्म फिल करके आपको बताया, तो इस तरीके से आपका प्रिंट यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका प्रिंट है। सो ये प्रिंट जो है नीचे भी इसके ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा प्रिंट है इसका, तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी, इसे ध्यान से आपको संभाल के रखना है। और एक और बात, इस प्रिंट पर आपको इसी प्रिंट पर जगह देखकर ऊपर यहाँ पर एक फ़ोटो भी लगानी है, उसे गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटैच करवाना पड़ेगा। आप गजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं मैंने आपको कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद जो है आपको यही जो फॉर्म आपका निकला ये आपको डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा। डिपार्टमेंट में बच्चे बोल रहे थे कि सर स्पीड पोस्ट का सहारा ले ले, भाई स्पीड पोस्ट का सहारा नहीं लेना, आपको जो है यहाँ पर ऑर्डिनरी मेथड से डिपार्टमेंट में ये फॉर्म को भेजना पड़ेगा अपने रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाएं, तो भाई आपकी 10th क्लास के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके मार्कशीट हो गई, आपका सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद ITI की जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो वो भी लगा देना, सर्टिफिकेट भी लगा देना, फोटोकॉपीज लगाना, कुछ बच्चे ओरिजिनल लगा देते हैं।
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए। देखो भाई, बेटर होगा कि अगर आप गजेटेड ऑफिसर के पास जा रहे हैं ना, तो इसे गजेटेड ऑफिसर से भी अटैच करवा लो। वैसे गजेटेड से कंपलसरी नहीं है, गजेटेड ऑफिसर से एक ही चीज़ कंपलसरी है, जब आप अपने प्रिंट पर, जो आपका प्रिंट निकलेगा ये वाला, इस पर फोटो पर जो है यहाँ पर पेस्ट कर, ऊपर पेस्ट करके छोटी फोटो इसी के साइज़ की, और आप जो है यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाएंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको वही आपको काम करवाना पड़ेगा। तो आपको जो है यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना फॉर्म फिल कर लिया ऑनलाइन, उसके बाद ये डिपार्टमेंट में आप भेजेंगे। ये प्रॉपर तरीके से इन्होंने जो है यहाँ पर एड्रेस दे रखा है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर लिस्ट भी दे रखी है, तो देख लो ये एड्रेस है, इस पर भेज देना, कोई गलती आप ना करना। जो बच्चे यहाँ पर जनरल है और ओबीसी है, उनको ही 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। वो भी आपको किसके द्वारा, या तो आप आईपीओ के द्वारा, इंडियन पोस्टल ऑर्डर के द्वारा पे करेंगे, या डीडी के द्वारा पे करेंगे। और आपको जो बनवाना पड़ेगा डीडी या आईपीओ, वो बनवाना पड़ेगा किसके फेवर में, सीनियर डीएफएम एनसीआर एएलडी, तो ये होगा आपका फेवर। उसके बाद ये फोटो वाले की मैं बात कर रहा था, तो फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो का साइज 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन दी ऑनलाइन प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको वहाँ पर मैंने बताई है, वहाँ पर पेश करने पड़ेगी, उसे गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवाना पड़ेगा, और जो है उसे डिपार्टमेंट में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना पड़ेगा। सारा क्राइटेरिया मैंने डिटेल्स वाली वीडियो में आपको बता रखा है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो है वो देख लें, और मेंबरशिप की मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो बच्चे मेंबर हैं उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है वो बच्चे जानते हैं, बाकी किसी को फोर्स नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। आप कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं मेल आईडी पर तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ये जो है वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों की मदद हो सके, और साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी वीडियो इतने बच्चों ने देखी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली ITI से रिलेटेड वीडियोज आपसे गलती से भी मिस ना हो। और जो बच्चे अभी 2019 में ITI करना चाहते हैं, उनसे तो यही बोलूँगा कि वो जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें, ताकि उनको ITI में क्या होता है एक्चुअल में वो पता चलते रहे। बाकी अगर आपको वीडियोस देखनी है मेरी, इलेक्ट्रिशियन की, कोपा की, मशीनिस्ट की, वेल्डर की, तो आप YouTube पर जाकर सीधा सर्च करें ITI वेल्डर, ITI कोपा, ITI आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, या फिर ITI वेल्डर, या फिर आप ITI फिटर, या ऐसी ऐसी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग। सो आई होप कि आपके जो है जितने भी डाउट्स मैंने फॉर्म से रिलेटेड है क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई कर सकूं। अगर आप अभी थोड़ी देर में मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर दूंगा, बाकी कल परसों की आपको गारंटी नहीं देता, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं 1 दिन में 3-4 हज़ार कमेंट्स के रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। तो जो पॉसिबल होता है वो जो है हम रिप्लाई आपको करके दे देते हैं। धन्यवाद।